हेलो गाइस वेलकम टू बायो फॉर यू इजी साइंस टुडेस टॉपिक इज अबाउट लेबिक्स लॉ ऑफ मिनिमम इन 1840 एक जर्मन केमिस्ट जेवी लेबिक उन्होंने अपनी एक बुक पब्लिश की जिसका नेम था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड इट्स एप्लीकेशन टू एग्रीकल्चर एंड फिजियोलॉजी लेबिक ने प्लांट ग्रोथ पर इफेक्ट डालने वाले वेरियस फैक्टर्स को डिस्क्राइब किया अपनी रिसर्च के बाद उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया द स्टेटमेंट इज ग्रोथ ऑफ ए प्लांट इज डिपेंडेंट ऑन द अमाउंट ऑफ फूड स्टफ विच इज प्रजेंट टू इट इन मिनिमम यानि कि प्लांट ग्रोथ उस फूड स्टफ़ अमाउंट पर डिपेंड करती है जो प्लांट में मिनिमम क्वान्टिटी में प्रजेंट हो इट्स कॉल्ड द लो ऑफ मिनिमम हम इसे ऐसे भी समझ सकते हैं हर प्लांट की अपनी रिक्वायरमेंट्स होती है जो कि उनका न्यूट्रिशन होता है अगर वह फूड या न्यूट्रिशन अगर उस प्लांट में अपसेंट होगा तो वह प्लांट ग्रोथ नहीं कर पाएगा या फिर जल्दी ही टेड हो जाएगा और अगर फूड स्टफ मिनिमम क्वांटिटी में प्रेजेंट हो तो प्लांट की ग्रोथ भी मिनिमम होगी केमिकल मटेरियल एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर जैसे कि टेम्परेचर गैसेस ह्यूमिडिटी अमाउंट ऑफ लाइट ये लिमिटिंग फैक्टर की तरह वर्क करते हैं अब हम इसके पार्ट्स देखते हैं लेबिक ने लिमिटिंग फैक्टर्स को टू पार्ट्स में डिवाइड किया फर्स्ट इज मैक्रोन्यूट्रिएंट एंड द सेकेंड इज माइक्रोन्यूट्रिएंट। ये जो मैक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं इनके अमाउंट प्लांट के अंदर लार्ज होती है जैसे कि नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटेशियम कैल्शियम मैग्नीशियम सल्फर ये सभी मैक्रोन्यूट्रियट्स होते हैं इसी तरह जो माइक्रो होते हैं उनकी अमाउंट प्लांट्स के अंदर स्मॉल होती है जैसे कि फेरस बोरोन क्लोरीन, कॉपर जिंक वेनेडियम ये सभी माइक्रो न्यूट्रियट्स होते हैं आई होप आपको लिमिटिंग फैक्टर्स समझ में आया होगा कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं थैंक यू